हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना अवध और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई पेशकश में। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड में आजकल सीक्वल का दौर चल रहा है। कई बड़ी फिल्मों के सीक्वल रिलीज हो चुके हैं और वहीं कई भारी भरकम बजट वाले सीक्वल की तैयारी चल रही है। इन सीक्वल में से एक है धूम फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म धूम 4। हाल ही में इस फिल्म को लेकर ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर फैंस काफी निराश हो जाएंगे। काफी दिनों से इस फिल्म की स्टार कास्ट और स्टोरी लाइन को लेकर कई तरह की खबरें चल रही थी। कुछ ही दिनों पहले खबर थी कि धूम 4 के लिए आखिरकार सलमान खान को अप्रोच कर लिया गया है। हालांकि सलमान के साथ फिल्म में रणवीर सिंह को भी अप्रोच किया गया और सलमान खान रणवीर सिंह के साथ काम करना नहीं चाहते थे। वहीं इसी तरह की कई अफवाहें अब तक सामने आ चुकी हैं। इनमें से कौन सी बात सच हो सकती है, वो भी फिल्म का टीजर या ट्रेलर आने के बाद ही पता चलेगा। तब तक आप भी इन अफवाहों पर ध्यान दीजिए। अफवाह नंबर 1, विलेन सलमान खान। जॉन अब्राहम, ऋतिक रोशन और आमिर खान के बाद आखिरकार इस बार धूम 4 के विलेन बन चुके हैं सलमान खान। लेकिन अब सलमान खान विलेन है तो अच्छा विलेन ही होंगे, बीइंग ह्यूमन वाले। हालांकि सलमान खान कभी नेगेटिव किरदार करने की हामी नहीं भरेंगे। अफवाह नंबर 2, डॉन शाहरुख खान। माना जा रहा है कि शाहरुख ने खुद ये सलाह दी है कि उनके डॉन कैरेक्टर को फिल्म में शामिल किया जाए, यानी कि धूम 4 डॉन और धूम की स्पिन ऑफ हो सकती है हॉलीवुड फिल्मों की तरह, अगर डॉन प्रोड्यूसर फरहान अख्तर मानते हैं तो। अफवाह नंबर 3, अभिषेक बच्चन का रिप्लेसमेंट रणवीर सिंह। इस बार की पुलिस अभिषेक बच्चन जैसी ढीली नहीं होगी, जो मुंबई में एक चोर को नहीं पकड़ पा रहे हैं और फिर उसे पकड़ने के लिए इंटरनेशनल पुलिस तक उन्हें मुंबई से बुलाती है। खैर, माना जा रहा है कि उन्हें इस बार रणवीर सिंह से रिप्लेस कर रहे हैं। शाहरुख खान, सलमान होंगे लीड। अभी भी माना जा रहा है कि फिल्म के लीड शाहरुख खान ही होंगे। फैन के बाद उन्हें एक सुपरहिट फिल्म की जरूरत है और उनकी मदद के लिए आदित्य चोपड़ा जुट गए हैं। वैसे भी फैन के पहले शाहरुख खान की आखिरी दो फिल्में दिलवाले और हैप्पी न्यू ईयर भी लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई थी। विलेन नहीं, हीरो। फिल्म में शाहरुख, सलमान फिल्म के हीरो होंगे और पूरी तरह से विलेन नहीं। हालांकि धूम सीरीज की हर फिल्म का हीरो ही उसका विलेन होता है, चाहे वो जॉन अब्राहम हो या ऋतिक रोशन या फिर आमिर खान। इस बार भी विलेन का रोल इतना ही धमाकेदार होगा। रणवीर करेंगे अभिषेक को रिप्लेस। रणवीर सिंह फिल्म में पुलिस वाले की भूमिका में दिखाई देंगे और वो अभिषेक बच्चन को रिप्लेस करेंगे। अभिषेक बच्चन पहले ही नाराजगी जता चुके हैं कि उन्हें धूम 4 के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन अब यह तय है कि वो रिप्लेस हो चुके हैं। परिणीति और वाणी को अप्रोच। फिल्म में हीरोइन रोल के लिए वाणी कपूर और परिणीति चोपड़ा को अप्रोच किया गया है। हालांकि दोनों ने इस मुद्दे पर अभी तक कोई बात नहीं की है। नो उदय चोपड़ा। माना जा रहा है कि इस फिल्म में इस साल उदय चोपड़ा भी नहीं रहेंगे। अब उनकी जगह किसी को लिया जाता है या फिर उनका रोल खाली छोड़ दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। अगले साल के अंत में फिल्म अगले साल के मध्य तक फ्लोर पर आ जाएगी। तब तक फिल्म की स्क्रिप्टिंग भी स्टेज पर ही रहेगी। ऐसे में फिल्म में अभी तक कितने बदलाव किए जाएंगे पता नहीं। वैसे भी फिल्म से अमिताभ बच्चन, प्रभास, ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या राय का नाम जुड़ चुका है और बड़ी स्टार कास्ट। इस बार फिल्म की स्टार कास्ट और बड़ी हो चुकी है। सलमान, शाहरुख अगर सुपरस्टार हैं तो रणवीर सिंह का स्टारडम भी हर दिन बढ़ रहा है। सिम्बा के बाद शायद उनके स्टारडम में और बदलाव आ जाएगा। ऐसे में दोनों को साथ देखना दिलचस्प होगा। दोहराएगी इतिहास। अब देखना यह है कि क्या ये फिल्म धूम 3 का इतिहास दोहरा पाएगी या उसके सारे रिकॉर्ड तोड़ पाएगी। अभी तक ज्यादातर रिकॉर्ड में धूम 3 काफी आगे है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कि इस फिल्म में कौन सा हीरो होना चाहिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट एंड नोटिफिकेशंस।